देखिए आप ही के चैनल पे मैंने बहुत पहले डिक्लेयर किया था कि फूलपुर में मेरे को कोई डाउट नहीं है, सपा बसपा जीत जाएगी, चाहे अतीक अहमद या कोई भी हो। वो रिजल्ट आपके सामने है, ये आज नहीं इलेक्शन के पहले भी मैंने बोल, इलेक्शन होने के पहले। दूसरी चीज मैंने यहीं पे ये भी बोली थी कि कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की चीज नहीं है कि गोरखपुर से भी बीजेपी हार जाए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन 1-2% के चांसेस हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए इस डायनामिक्स के हम एनालिसिस करते हैं। अगर विपक्षी दल सपा बसपा ये सब ये सोच रहे हैं कि हम इस इलेक्शंस के रिजल्ट को यार्ड स्टिक बना के 2019 में भी जीत लेंगे या अभी से ये प्रचारित करें, हालांकि वो करेंगे, पॉलिटिक्स में ये होता है, सब जगह यही होगा, लेकिन इसका 2019 के इलेक्शन से कोई जो है लेना देना नहीं है। और उसमें दूसरी चीज ये भी है कि जब लिमिटेड एरिया में वॉर होता है, जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर देखिए जो छोटे एरिया में होता है, और जब फुल स्केल पे वार होता है जहां पे हर चीज ओपन होती है, कोई भी दांव पे आप चलिए, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, वहां के डायनामिक्स, वहां के रिजल्ट और वहां के लोगों का मनोभाव, मैं आपको ये भी एश्योर करता हूं 2019 में अगर इलेक्शन होगा और अगर गठबंधन भी हुआ तो यही वोटर जो जिन्होंने इन लोगों को वोट दिया है वो पलट के कहीं, भाई 2014 में भी तो बीजेपी को जो जीत मिली, जो वोट शिफ्ट हुआ 10-15-20% का एडिशनल, वो सपा बसपा मायावती जी कांग्रेस इन्हीं सबके तो वोट थे जी, जी। क्यों वो सपा बसपा को छोड़ करके चले आए? तो जो फुल फ्लैग वॉर होता है, जो फुल फ्लैग इलेक्शन नेशनल या स्टेट लेवल पे होता है, वोटर वही रहते हैं सर, वोटर कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपना प्रिफरेंस बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं, इसके पीछे की डायनामिक्स को समझिए। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुलस जो होते हैं वो काम करते हैं, और वोटर का जो फाइनल फर्स्ट डिसीजन होता है वो वोटिंग डे तक जाते जाते कई बार पलटी खाते खाते बदल करके अल्टीमेटली वो जिससे इन्फ्लुएंस होता है उसको जाकर के वो वोट डाल देता है। ये फैक्टर काम करता है। तो 2019 के इलेक्शन के लिए इसको यार्ड स्टिक टेक्निकल वे पे अगर एनालिसिस की जाए, स्ट्रेटेजिक वे पे, तो मैं नहीं मानता हूं। दो सीटों की हार या जीत को पूरे आप 500 पूरे लोकसभा की सीट या इलेक्शन के लिए यार्ड स्टिक आप नहीं मान सकते हो।